प्रश्न पूछूं, जी तो इसलिए मैंने पूछा। पास जी, एक प्रश्न मेरा हो रहा है, ऐसा जी, ही है, जी, जैसे जैसे कि आजकल जैसे हमें अपने पर्सनल रूम में मैं प्रेयर कर रहा हूँ, तो कई लोग होते हैं कि बहुत बहुत जोर जोर से तालियां बजाकर कुछ चला चला कर प्रेयर करते हैं, आराधना करते हैं। पास जी, ऐसा करने से कोई परमेश्वर ज्यादा नीचे आएगा, परमेश्वर ज्यादा हमसे बात करेगा, कुछ इसके बारे में बताइए। गुड 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 गुड। ओके, कुलदीप जी का तीसरा प्रश्न है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। क्या जोर जोर से ताली पीटने से, गीत गाने से परमेश्वर की ज्यादा उपस्थिति आएगी, परमेश्वर का ज्यादा पावर आएगा? तो फिर वापस ये कहना पड़ेगा, परमेश्वर की ज्यादा उपस्थिति, परमेश्वर का पाव किलो की उपस्थिति, दो किलो की उपस्थिति, ये कोई लेवल नहीं रखता। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जब मैं गाना गाता हूं तो गाढ़ा अभिषेक आता है, ये कॉन्सेप्ट कहां से लाए, मुझे इसमें से निकाल के बताएं। ऐसे जितने भी कहते हैं ना थिक अनॉइंटिंग, ये मूर्खता का स्टेटमेंट है। थिक अनॉइंटिंग, थिन अनॉइंटिंग, लेस अनॉइंटिंग, मोर अनॉइंटिंग, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये मनुष्य की बनाई हुई स्टेटमेंट है। परमेश्वर को जिस दिन वो न्याय करेगा ना, तुम लोगों को बहुत बड़ा हिसाब देना होगा कि जिस चीज को मैंने नहीं सिखाया तुम उसको बोल कैसे देते हो बड़े बड़े मंचों से। कितने लोगों को देखा है, वर्षीपरों को भी, मैं जब गाना गाता हूं तो गाढ़ा अभिषेक आता है, मैं जब प्रार्थना करता हूं तो प्रभु की बहुत तगड़ी उपस्थिति आती है। ये कहां से लाते हो सर, ये बाइबल के अंदर नहीं है। ओपन चैलेंज है किसी को भी, मुझे कोई प्रूफ करके बता दे कि बाइबल के अंदर गाढ़ा अभिषेक, पतला अभिषेक, मोटा अभिषेक, दो किलो का अभिषेक, दस किलो का अभिषेक। जिस दिन प्रूफ कर दोगे ना बाइबल से, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे प्रचार करना छोड़ दूंगा। ओपन चैलेंज है। तो ताली पीटना जोर जोर से कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर की कितनी घटनाएं, जब बारिश हो रही थी ना तो एलिया ने कहा जाके देख क्या, बड़ी बड़ी आंधी चली, बिजली गरजी, आंधी तूफान चली, नहीं था परमेश्वर, लेकिन लिखा एक धीमी आवाज, एक सॉफ्ट वॉइस, फिर बादल हाथ का जैसा छोटा बादल, बोला अब प्रभु दिखा, तो उसने कहा यस अभी प्रभु दिखा। ये क्या लॉजिक है साहब, क्या बड़ा बड़ा ढोल बीच रो, ये तो 400 या 450 बाल देवता जो अपने देवता को सुबह शाम ढोल नगाड़ा पीट पीट के बुला रहे थे आ जाओ, ऐसा कुछ है क्या अपना परमेश्वर? जी नहीं। देखो सीखना होगा, इसलिए लिखा है ना पहला कुरंतियों 14:33 में, परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। तो ताली पीटना, जोर जोर से चीखना चिल्लाना, ऐसा किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर के पास में आते हो, आपको परमेश्वर के तरीके से आना है, अपने तरीके से नहीं। यस कुलदीप जी। जी पास्टर जी, आपने बहुत बढ़िया समझाया जी। क्योंकि पास्टर जी, ये मेरी इच्छा थी, क्योंकि मैं खुद को समझता हूँ, जो परमेश्वर मेरे खुद के पास है, जो पवित्र आत्मा मेरे खुद के पास है, उसको मैं कैसे जोर जोर से सुनाऊं? Exactly. तो मेरे पास में ही है वो, कोई दूर थोड़ा है मुझसे, दूर थोड़ा है, उसको मैं चिल्ला चिल्ला के पकड़ूंगा तो भी मेरे पास है, वो तो ऑलरेडी मेरे पास है। आज लोगों की बात सोचने की बात यह है कि जेकर मैं जोर जोर से ताली बजाऊंगा, पवित्र आत्मा जोर से उतरेगा मेरे ऊपर, उतरेगा पवित्र आत्मा, मैं पवित्र आत्मा से भरूंगा। जे मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं, जेकर उसको पूछा जाए ना, जैसे पूछ लिया मैंने किसी को जी, जो जो ताली बजा रहा है वो बोला, वो बोल रहा है मैं नहीं बजा रहा, पवित्र आत्मा मुझसे बजवा रहा है। पवित्र आत्मा, सुनिए सुनिए कुलदीप जी, और एक कनेक्शन दे रहा हूँ। कुलदीप जी, क्या है ना, जितने दर्शक है 1600 के ऊपर, आप लोगों को भी बताता चलूं कि पवित्र आत्मा बेकाबू होकर आपको कुछ पता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कराएगा। आउट ऑफ कॉन्शियस आपसे कुछ नहीं कराएगा, सेंस से बाहर चले गए, ऐसा कुछ नहीं कराएगा। जबरदस्ती रोबोट की तरह चाबी घुमा दिया और आप ताली बजाने लगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये टोटल गलत है और ये शैतान की ओर से। अगर कोई कहता है मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, तो ये डेविल का स्पिरिट है। अगर कोई कहता है मुझे नहीं पता, मैं जोर जोर से हंसने लगा, मुझे नहीं मालूम मेरे साथ क्या हो रहा, ये डेविल का स्पिरिट है। क्योंकि परमेश्वर कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। यीशु सज्जन है, जेंटलमैन। पवित्र आत्मा सज्जन है, जेंटलमैन। परमेश्वर पिता सज्जन, जेंटलमैन। वो जबरदस्ती कभी किसी से नहीं कराएगा। दूसरी चीज कुलदीप जी, इसके साथ लगे हाथ जोड़ देता हूं कि लोगों को ट्रेन नहीं किया गया इस तरीके से कि परमेश्वर तुम्हारे अंदर है, बाहर से नहीं आता। ये ट्रेन नहीं कर रही है लोग, उल्टा ये क्या सिखाते हैं कि जैसे पेंतिकोस के दिन उतरा था, उतर के खत्म हो गया। सर वो किस्सा खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया, अब वो फाइल को बंद करो, क्योंकि पवित्र आत्मा उतर चुका है और कलिसिया के मध्य में आ चुका है, और जो जो व्यक्ति उधार पाता है उसके अंदर रहता है। लेकिन ये क्या सिखाते हैं कि जैसे पेंतिकोस को, और बिब्लिकल है ना, उनको क्या लगता है, अरे लिखा है मतलब अभी उतरेगा, अरे आ गई है मतलब अभी आएगा। लेकिन ये नहीं सिखाते सेकंड पार्ट कि वो आ चुका है, वो बीत चुका है,
वो खत्म हो चुका है, अब पवित्र आत्मा पृथ्वी पर है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। यस कुलदीप जी। जी जी पास्टर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। yes. कि हमें परमेश्वर मिल चुका है ऑलरेडी, पवित्र आत्मा हमें ऑलरेडी मिल चुका है। पास्टर जी, आपने पेंटिकॉस्ट की बात की कि पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरेगा, तो वो तो उतर चुका है ऑलरेडी, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है। आजकल पता है, मैंने किसी को बोल दिया जी। जैसे मैं प्रेयर में था तो लड़का मेरे पास आया, मैंने उसको बोला कि हमें तो पवित्र आत्मा ऑलरेडी मिल चुका है। वो बोला नहीं, अगर पवित्र आत्मा हमें मिल जाता तो बाइबल में लिखा क्यों हुआ है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा तुम पे उड़ेल दूंगा, नई नई भाषा बोलोगे और भविष्यवाणी करोगे। देखो पास्टर जी, अभी ये एक नया लॉजिक शुरू हो गया। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, बहुत गड़बड़ है सर, बहुत गड़बड़ है। चलिए, कोशिश यह है कि आपकी और मेरी कन्वर्सेशन, इसकी जब वीडियो एडिट होगी, लोगों तक पहुंचेगी, तो उनको जवाब मिल जाएगा। राइट कुलदीप जी? जी पास्टर, थैंक यू कुलदीप।